बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी 11:30 बजे हमने अपना नॉमिनेशन फाइल करके आए हैं। मैं सबसे पहले तो करगिल इत्तेहाद के कैंडिडेट के तौर पे मुझे आगे करने के लिए मैं अपने लीडरशिप का, खुसूसन इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसी के जो लीडरशिप है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। करगिल के इत्तेहाद को कायम व दायम रखने के लिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले कई सालों से पूरे लद्दाख एक यूनाइटेड जो होके जो है हमारे लद्दाख के जो इश्यूज़ को लेके काफ़ी सालों से हम सरापा एहतजाज पे हैं। और करगिल में KDA के बैनर तले पूरा कौम जो है मुत्तहिद है, और इसी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए मुझे जो है इस इत्तेहाद का कैंडिडेट के तौर पे मुझे आगे किया और आज जो है नॉमिनेशन पेपर हमने फाइल कर किया। सर, आप किस हद तक जीतने की उम्मीद है और जिस हिसाब से आपको ज्वाइंट कैंडिडेट बना है, तो क्या रीजंस था जिस बेसिस पे एनसी और कांग्रेस ने आपको ज्वाइंट कैंडिडेट बनाया, और कौन कौन से कैंडिडेट्स फ्रेम में थे, उनके ऊपर कौन कौन से रीजंस की वजह से वो लोग ज्वाइंट कैंडिडेट नहीं बना? देखिए, कैंडिडेट्स तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, जिसमें हमारे सज्जाद करगिली साहब भी थे, करबलाई साहब भी थे, और हमारे एनसी साइड से हमारे काचू फिरोज साहब भी थे, हमारे रसूल साहब भी थे। जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो कैंडिडेट चुनना था, तब तक मुझे अपने जहन में ये नहीं था कि मैं एज ए कैंडिडेट मैं यहाँ पे आऊँ। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि मुत्तहिदा तौर पे सारे लोगों को एक करके जो है एक कैंडिडेट को आगे करें। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स थे उन पे सहमति नहीं बन पाया, कंसेंसस नहीं बनी, तो अल्टीमेटली सारे लोगों का जो है कंसेंसस मेरे पर बनी, तो मुझे जो है एज ए कैंडिडेट आगे किया। सज्जाद करगिली भी ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है, इसको कैसे आप रेट? सज्जाद करगिली इंशाल्लाह मेरा भाई है, वो पिछले कई सालों से खासकर KDA में हम दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे मुझे यकीन है कि मैं उसको समझा पाऊँ, और इंशाल्लाह वो भी मेरे हक में जो है विड्रा करेंगे, तो पूरा करगिल जो है एक होके जो है एक ही कैंडिडेट के हिसाब से हम इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे। सर, JTN ने भी आज टास्क जलसन के हक में विड्रा किया, तो करगिल सर एक ही कैंडिडेट होना बहुत ज़रूरी है, तो इस पर क्या? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, यकीन है कि करगिल से भी एक ही कैंडिडेट ही होगा इंशाल्लाह। सर, नासिर साहब से एक सवाल होगा, मैंडेट का काफ़ी इशू रहा सर, और जोरा साहब का रिसेंट स्टेटमेंट भी हमने देखा कि ये मैंडेट जो है, जब हम अर्थ वाइज JNK के साथ था तब माइनॉरिटीज यानी कि उनके लिए आता जाए, तो अभी तक मैंडेट ना आने का वजह यही था सर कि मैंडेट हाथ नहीं रखा, इस पे थोड़ा बहुत क्लियर करना बहुत जरूरी था सर, ये सवाल तो करने वाले साहब से करना था चाहिए नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने अभी पूछा कि जो मैंडेट वाला इशू है, जनवरी 2024 की बात है, दिल्ली में हमारी जो SEC की क्यादत, जिसमें हमारे खड़गे जी की क्यादत में, राहुल जी की मौजूदगी में हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें ले कांग्रेस से भी लोग थे, करगिल कांग्रेस से भी लोग थे, सब बैठ के वहाँ पर डिस्कशन हुआ था, और इस मैंडेट को इशू को लेकर बहुत ही सीरियसली डिस्कस हुआ था, और इन प्रिंसिपल उन्होंने एग्री किया कि इस बार जो है हमें एक मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा, जिसके तहत एक टर्म हम करगिल को देंगे, एक टर्म हम ले को देंगे, और इस बार उन्होंने एश्योर किया था कि हम करगिल को देंगे। होने के बाद फिर मिस्टर भगचरण दास जी, जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के, जो सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है, उनके साथ जूम पे हमारी जो मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे जोरा साहब भी मौजूद थे उस मीटिंग में, जिसमें हमारे क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इंचार्ज जो सोलंकी साहब थे वो भी मौजूद थे, तो इन प्रिंसिपल उन्होंने पूरा एग्री किया कि भाई इस बार मैंडेट जो है हम करगिल को देंगे, और यही जोरा साहब का ही स्टेटमेंट था कि अगर करगिल से जब तक ना NC और कांग्रेस दोनों नहीं मिलते, तब तक आपके कैंडिडेट की जीतने की कोई चांसेस नहीं है। तो इन्हीं पहलुओं को लेकर, क्योंकि हमने पहले करबलाई साहब का नाम जो है वो नामजद किया हुआ था, लेकिन यहाँ के जो सियासी हालात है, क्योंकि जब अनशन हुआ था यहाँ पे, जो हमारा 3 दिन का भूख हड़ताल हुआ था, उसमें सबों ने यही वादा किया था कि हम 2019 दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट नहीं होने देंगे। उन तमाम चीज़ों को देख कर, तमाम चीज़ों को कंसेंसस करके
हम लोगों ने ये जो हमारे हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो काउंसलर्स है, जिसमें एनसी के 11 काउंसलर है, कांग्रेस के 10 काउंसलर है, सबों ने मिलकर जो है ज्वाइंट रेजोल्यूशन हमने अडॉप्ट किया था कि हमारा कॉमन कैंडिडेट कंसेंसस पर हाजी मोहम्मद हनीफा जान साहब हैं। तो इन्हीं चिट्ठी, इन्हीं रेजोल्यूशन और इनकी कॉपियों को लेकर, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ की बॉडी है, कांग्रेस की यहाँ की बॉडी है, उसने एंड्रोस करके हम जो है AICC के पास पहुँच गए। लास्ट में उनको ये बताया गया कि भाई देखो जो है कुछ जगह से इंटरवेंशन हुए, कुछ जगह से इसको ख़राब करने के चक्कर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे जो टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है जोरा साहब, उन्होंने खुली तौर पर आया किया है कि भाई ये जो है हम अपने टांगों में कुल्हाड़ी नहीं मार सकते थे, कांग्रेस के मैंडेट पर हम एनसी के कैंडिडेट को नहीं ला सकते थे। एनसी का अगर बंदा है कांग्रेस के मैंडेट पर आ रहा है तो किसकी जीत है? किट्टी कांग्रेस की ही किट्टी में जाएगी, ये जाके वहां पर और किसी जगह तो जाएगी नहीं। तो हमने उनको क्लियरली बता किया है, और जोरा साहब का जो बोलने का अंदाज था उनसे हमें काफी जख्म पहुंचा कि ये जो है, देखिए हम बीजेपी को बोलते हैं इस वक्त कम्युनल है, कम्युनल कार्ड खेलते हैं, और जोरा साहब स्पेसिफिकली ये बोल रहे हैं कि लद्दाख की सीट जो है वो बुद्धिस्ट के लिए दिया हुआ है, और कहते हैं हिंदुस्तान में और कहीं बुद्धिस्ट की नुमाइंदगी नहीं है। क्यों नहीं है? अरुणाचल में आपकी बुद्धिस्ट की नुमाइंदगी नहीं है, हिमाचल में आपकी बुद्धिस्ट की नुमाइंदगी नहीं है, सिक्किम में आपकी बुद्धिस्ट की नुमाइंदगी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है, अब सेकुलर पार्टी में ऐसे बातें करना जो है ये बचपना वाली बातें हैं, सब कुछ नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह रहमान अभी करगिल इत्तेहाद हो गया है, हमने करगिल के इत्तेहाद के लिए काम करना है, करगिल के फलाह बहबूदी के लिए काम करना है। हम सब जानते हैं कि पिछले 5 सालों में जो जो मुसीबतें लद्दाख के आवाम ने झेला है वो सब पर आया है। हम नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ें दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत हो, इसलिए हम चेंज चाहते हैं, और ऐसा एक नुमाइंदा चाहता है जो आवाम दोस्त हो। अभी हमारे एम्प्लॉयमेंट का इशू है, स्टेटहुड का इशू है, सिख शेड्यूल का इशू है, और हमारे हाजी साहब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में जॉइंट सेक्रेटरी के अहदे पर भी रहे हैं, और एपेक्स बॉडी और KDA के साथ जो जिस तरह से बहुत बारीकी बीनी से जो काम किया है इन्होंने, इन दोनों को साथ में रखने के लिए हाजी साहब का बहुत ही अहम रोल रहा है। तो मेरे ख्याल में आज के दिन में अगर लद्दाख के अवाम को अपने मुतालबात, अपने मुसीबतों को आगे लेके जाना है, हाजी साहब से बेहतर और कोई बंदा नहीं हो सकता। सर, सज्जाद करगिल ने अभी मीडिया वाइट देते हुए कहा कि KDA के साथ कंसल्ट नहीं किया, KDA के साथ कंसल्ट, मैं आपको जवाब देता हूँ बींग ए सेक्रेटरी KDA की। KDA का हमारा 4 पॉइंट का एजेंडा है, जिसमें हमारा स्टेटहुड है, जिसमें हमारा सिख शेड्यूल है, और हमारा जो एम्प्लॉयमेंट वाला मसला है, उसके साथ साथ जो मेंबर पार्लियामेंट की 2 सीटें निशस्ते हैं उसके लिए था। तो स्पेशली जब हमारे मजहबी इदारों ने जो गोम्पा वाला इशू था, करगिल का लॉन्ग पेंडिंग इशू, वो KDA को हवाला किया, तो स्पेशल केस में हमने वो एक इशू भी ले लिया था। बाकी इलेक्शन में है क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का डिसीजन है, KDA कुछ इसमें दखल नहीं देगी। क्या अभी भी एक यूनाइटेड कैंडिडेट रह सकता है, एक कैंडिडेट रह सकता है, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है। देखिए इस अलायंस का नाम ही हमने लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से रखा हुआ है। इसमें ना कोई अभी इस वक्त NC है, ना कोई कांग्रेस है, ना कोई बुद्धिस्ट है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई शिया है, ना सुन्नी है, ना लेह है, ना कारगिल है। पूरे खित्ते को लेकर, खित्ते के मुसीबतों को लेकर, खित्ते के परेशानियों को लेकर हमने जो है एक यूनाइटेड उसके अलायंस के तहत जो है हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम जितने भी जो यहाँ के अमन दुश्मन अनासिर है, जो यहाँ के लोगों में इनके जो फ़िरकावारानियत, जो हमारा एक ये है, एक हमारा रिवायत है कि हम जो है एक खुशगवार माहौल में बैठते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको हम करारा जवाब देंगे। सर, करगिल कांग्रेस अभी क्या, करगिल कांग्रेस का क्या स्टेप्स आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? वो आपको वक्त, वो हम आपको जाएंगे, अगर वो हम आपको वक्त आने पर दिखा के देंगे, बताएंगे नहीं दिखा के देंगे। तो अभी भी आप लोग कांग्रेस में है, मैंडेट न मिलने के बावजूद भी लगा? अभी हमारा इस वक्त जो है लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के तौर पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप लोग समझने की कोशिश किए, मैं पहले भी रिपीट किया, ये ना NC की तरफ से लड़ रहे हैं, ना कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। बेशक ये जो जितने भी इनके वर्कर्स हैं वो सब एक होकर, लोगों के एस्पिरेशंस को देखकर, लोगों के उमंगों को देखकर, लोगों के जोश जज्बे को देखकर, जिस यकजहती के लिए, जिस यूनिटी के लिए हम कर रहे हैं, चाहे उसमें बुद्धिस्ट हो, मुसलमान हो, मैंने आपको कहा शिया हो, सुन्नी हो, आपका ले वाला हो, करगिल वाला हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम पूरे लद्दाख की यूनाइटेडली इस इलेक्शन को हम लड़ेंगे। कांग्रेस हाईकमान बार बार करगिल कांग्रेस को मैंडेट नहीं मिला है, मैंडेट के सिलसिले में कांग्रेस हाईकमान ने करगिल कांग्रेस को बेवफा किया है, तो अभी भी कांग्रेस के साथ मिल के बैठने का क्या कारण है?
मैंने आपको पहले ही कहा साहब, देखिए पहले अगर ऐसा करना होता तो आज हम कांग्रेसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे होते। आज हमने खुल्लम खुल्ला बगावत करके लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है अपने कैंडिडेट को जोड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम आने वाले वक्त में जो है हम आपको बता के दिखा के देंगे। हमने अपने हाईकमांड को क्या बोलना था क्या करना तो हम बोल पार्लियामेंट में भेजते। आज साहब अभी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कितने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया है ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट? देखिए अभी तो मुझे जो इत्तेहाद के कैंडिडेट के तौर पर आगे किया है तो इंशाल्लाह जितने भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है हम उनके पास जाएंगे और मुझे उम्मीद है यकीन है कि जितने भी हमारे करगिल में रिलीजियस हो चाहे सोशली हो चाहे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो सब का सपोर्ट इंशाल्लाह मुझे मिलेगी। अभी हमने अगले आने वाले कुछ दिनों में हमने जाना है इनके पास तो इनसे अपना सपोर्ट जो है वो मांगना है। सर अगर सज्जाद ग्राउंड में रहता है तो डेमोक्रेटिक अलायंस को कितना नुकसान होगा या इसके बारे में? नहीं, सबसे पहले तो मुझे इंशाल्लाह अभी यकीन है हमें कि उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है कि इस्लामिया स्कूल इसमें एंटर करे तो इसमें ये करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि सज्जाद साहब जो है वो हमें सपोर्ट करेंगे। बाकी इंशाल्लाह जो केड़े का जो मसला है केड़े को कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि जितना ईमानदारी से सिंसियरिटी से इस केड़े को हमने बनाया था और फाउंडर है हम तीन, मैं नासिर साहब और हमारा सज्जाद, हम तीनों का मेहनत दिन रात हमने न सिर्फ केड़े को बल्कि केड़े और एपेस को भी जोड़ने में हम तीनों का बहुत बड़ा रोल है और इंशाल्लाह इन इलेक्शन के इन कुछ दिनों से जो है वो केड़े पे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। केड़े भी मजबूत रहेगी और केड़े और एपेस का जो यकजहती है वो भी मजबूत रहेगी और आने वाले दिनों में हमारे जो लद्दाख के जो इश्यूज़ है खासकर जो हम 3-4 पॉइंट एजेंडे को लेके हमारे मैनिफेस्टो में इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में मैनिफेस्टो भी हम लेके आवाम के पास जाएंगे मगर मैनिफेस्टो में हमारा जो टॉप प्रायोरिटी होगी वो हमारे लद्दाख के जो इश्यूज़ है खासकर जो 4 पॉइंट एजेंडा को लेके हमने आगे बढ़ा है, हम एहतजाज पे है, गवर्नमेंट के साथ हमारे बातचीत चल रहा है उसी को आगे लेके हमने लड़ना है, गवर्नमेंट के पास जाना है। बाकी केड़े को जो है इंशाल्लाह इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हीं दिनों में कई बार आपका रब्ता रहा जमात उलमा इस्नाशरिया करगिल लद्दाख से तो क्या पॉजिटिव आउटकम रहा सर शेख नज़ीर उल मेहदी? इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि जमात उलमा जो है इस बीच में कुछ जो है रास्ता जो निकाल के जो है इंशाल्लाह सज्जाद और हमारा जो है यकजहती फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर करगिल के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से मुद्दे लेके आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे इस वक्त आपके नॉमिनेशन के बाद जो रिएक्शंस हैं उसको कैसे आप काउंटर करेंगे? देखिए करगिल के जो मुद्दे हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अपना पूरा मैनिफेस्टो जो है बना के हम लोगों के सामने जाएंगे। बाकी हमारे करगिल में और लेह में दोनों जगह हर इलाके का अपना अपना मुद्दा है, अपने अपने जो है इश्यूज़ है उस इलाका है, उनका लेह में भी जो है नुब्रा का अलग अपना उनका इश्यूज़ है तो इंशाल्लाह पूरी तरह अच्छी तरह हम एक मैनिफेस्टो लेके हम लोगों के सामने जाएंगे। मगर मेन जो हमारा मुद्दा होगा हमारा ये होगा वो 4 पॉइंट एजेंडा होगा जिसमें हमारा फुल फ्लेज स्टेटहुड है, 6 शेड्यूल है और हमारे बच्चों के फ्यूचर जो है जो रिक्रूटमेंट का ये है और पीएससी है उनका है और पार्लियामेंट्री जो 2 सीट्स के बारे में हमने किया है, इन 4 पॉइंट एजेंडा ये जो है हमारा मेन मुद्दा रहेगा। सर इसलिए आपको जीतना बहुत ज़रूरी है, आप पूरा करगिल का नहीं लद्दाख का है तो पूरा लद्दाख की आवाम से आप क्या अपील करेगा सर यूनाइट होने के लिए? मेरा अपील यही है कि पिछले 3-4 सालों में पूरे लद्दाख जो है एक होके हम अपने फ्यूचर के लिए अपने मुस्तकबिल के लिए हम लड़ रहे हैं और इतिहास में जो है पहली बार लेह और करगिल एक होके लेह और करगिल के लीडरशिप एक होके जो है एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और वहीं से पूरे लद्दाख जो है एक होके जो है हम मुत्तहिद होके आगे बढ़े हैं और इस मुत्तहिद को बरकरार रखने के लिए और हमारे खुसूसन हमारे जो 4 पॉइंट एजेंडा है जिसको पिछले 4 साल से हम जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं उसको और मजबूती के साथ जो है उसके लिए लड़ने के लिए जो है मैं पूरे लद्दाख के आवाम से मैं गुजारिश करता हूं कि मुझे अपना कीमती वोट दे के कामयाब करें ताकि पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी लद्दाख के आवाम की आवाज़ बन के मैं रहूं, ना कि किसी विशेष पार्टी की या किसी विशेष ग्रुप की या किसी विशेष पर्सन के
का तोता बन के मैं काम करूँ इंशाल्लाह। ये बस आखिरी सवाल होगा सर, तो एक सिंगल यूनाइटेड कैंडिडेट कब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट जनरल पब्लिक? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी जो है, अभी तो नॉमिनेशन सबका हो गया, अभी 6 तारीख तक ये है इस वापसी का, तो इन दौरान इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ फैसला आ जाएगा। थैंक यू सर। सर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उसको किस तरह के आप पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने यूनाइटेडली कैंडिडेट को निकाला? देखिए अभी वहाँ से नमगल साहब है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत करीबी हैं, मेरे भाई हैं, तो उनका कसूर नहीं है। कसूर अगर है तो जो पार्टी के अंदर जो इंचार्ज के तौर पर दिल्ली में जो विराजमान बैठे हुए हैं, कसूर उनका है कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखे बगैर, बाकी चीज़ों को देखे बगैर वो एयर कंडीशन में बैठकर अपना फैसला सुनाते हैं। लद्दाख के हालात का हमें पता है, उनका फ़र्ज था ऐसा कोई प्रॉब्लम था तो दोनों साइड को बुला के बात करें, और एक चीज़ पहले क्या है न कि एक यूनिलेटरल डिसीजन लिया है उन्होंने, और हम इस यूनिलेटरल डिसीजन को हम उनको दिखा के देंगे। थैंक यू सर।